नेगेटिव हिंड्रेंसेस हैं, टॉक्सिन्स हैं, सारे के सारे ब्लॉकेजेस को दूर करता है. एंड इट मेक्स स्पेस फॉर न्यू थिंग्स टू एंटर. एंड दैट दोज न्यू थिंग्स कैन बी वेरियस न्यू थिंग्स. इट कैन बी वट एवर न्यू यू आर स्टडिंग, वट एवर न्यू यू आर लर्निंग फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंसेस, एवरी थिंग गेट स्टोर्ड इन दैट. एंड ये ब्रेन का स्ट्रेस पैटर्न भी चेंज करता है. सो इट विल मेक श्योर कि आपका स्ट्रेस लेने की जो जितना आप स्ट्रेस ले सकते हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी. सो आप बॉदर नहीं होंगे, आपकी बॉडी बॉदर नहीं होगी, यू विल बी एबल टू मैनेज इट. सो मेडिटेशन हेल्प्स विद दैट. इट कनेक्ट्स टू योर ट्रू सेल्फ. ट्रू सेल्फ से मतलब है कि हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि हम लोग बॉडी नहीं है, हम लोग थॉट्स नहीं है, हम लोग अलग सोल है. एंड वी हैव आर डिफरेंट जर्नी. वी आर नॉट एसोसिएटेड विद दिस बॉडी ऑलवेज. वी विल लीव दिस बॉडी. सो जब आप मेडिटेशन करते हैं आप अपनी ट्रू सेल्फ से आप ये रियालिटी को पहचानते हैं कि यू एक्चुअली आर सोल नॉट द बॉडी. एंड जब आपको ये पता लग जाता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको स्ट्रेस होता है या टेंशन होता है वो अपने आप खत्म हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल आपको स्ट्रेस होता है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई ज्वेलरी चाहिए, मेल और फीमेल, या फिर कोई गैजेट चाहिए, कोई भी एक मे बी मोबाइल चाहिए. बट आपको जैसे जब पता लगता है कि अल्टीमेट रियालिटी इज समथिंग एल्स, यू माइट नॉट बी वेरी मैनिक अबाउट इट. यू विल नॉट फील वो सेम अमाउंट ऑफ जो आपको पैशन था टू बाय इट. इट विल रिड्यूस और इट मे स्टॉप. इट डिपेंड्स किस लेवल तक आपकी थॉट प्रोसेस गई है. इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर सेलुलर इंटेलिजेंस टू बैलेंस इम्यून फिजियोलॉजी. इसका मतलब है जब कोई वायरस अटैक करेगा आपकी बॉडी पहचानेगी कि ये वायरस है. वो हमारी खुद की बॉडी को, इम्यून सिस्टम हमारी खुद की बॉडी के सेल्स को अटैक नहीं करेगा, उसे फॉरेन सेल्स को अटैक करेगा. तो इससे क्या होगा, ऑटो इम्यून कंडीशन जो है वो जनरेट नहीं होगी और हम लोग हेल्दी कंडीशन में रहेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी कंडीशन में रहेगा. एंड दीज आर फ्यू रिसर्चेज आई हैव एडेड कि यहाँ पे जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रिसर्चेज हुआ था कि कैसे योगा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में बहुत हेल्प करता है. सो दीज आर टू स्टडीज विच वर बीन डन. एंड देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड दिनचर्या. दिनचर्या इज हाउ यू शुड लिव अ डे. स्मॉल स्टेप्स, बहुत इजी रूल है. इट इज नॉट समथिंग वेरी स्ट्रिक्ट. सो फर्स्ट थिंग इज मेडिटेट टू इंक्रीज योर सेल्फ अवेयरनेस. बेस्ट टाइम इज संध्या टाइम. संध्या टाइम इज ब्रह्म मुहूर्त और इवनिंग. और भी संध्याज होती हैं बट दोज आर द बेस्ट संध्याज वेयर यू कैन प्रैक्टिस इट. और लंच कब लेना है, लंच लेना है अराउंड नून व्हेन योर डाइजेस्टिव अग्नि इज डोमिनेंट. जब आपका पेट में डाइजेस्टिव फायर बहुत डोमिनेंट है. एंड देन यू कैन डिवाइड योर फूड. लाइक सॉलिड फूड जो है वो हाफ पार्ट ऑफ स्टमक बढ़ना है, वाटर रिच फूड है वो 1/4 पार्ट, और 1/4 स्टमक शुड बी केप्ट एम्प्टी. ऑल्सो अवॉइड स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे टाइम. सो इफ यू हैव स्लेप्ट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, रात में 7 घंटे अगर आप सोए हैं तो दिन में नहीं सोइए. क्योंकि आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट होता है एक वात पित्त कफ का. दिन में सोने से कफ एलिमेंट बढ़ता है, हैवीनेस बढ़ती है, इनर्शिया बढ़ता है, आलस बढ़ता है. डिनर होता है वो आप सोने के 3 घंटे पहले लेने का ट्राई करिए, जिससे कि सारा खाना डाइजेस्ट हो जाए और कुछ भी अनडाइजेस्टेड मैटर ना रहे. क्योंकि अनडाइजेस्टेड मैटर जो होता है वो इम्प्योरिटीज लेके आता है. व्हाट यू कैन डू इज फिल योर स्टमक 1/4 सॉलिड फूड, हाफ वाटर रिच फूड और 1/4 एम्प्टी स्टमक. अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो इसमें आप वाटर रिच फूड को भी 1/4 कर दीजिए. सो रिड्यूस योर क्वांटिटी ऑफ फूड एज पर व्हाट यू वांट. एंड कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है आप रात में लाइट खाना खाएं और दिन में थोड़ा हैवी खाएं, तो उससे कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉट एवर यू आर लर्निंग वो इफेक्टिव हो जाता है. स्लीप, ट्राई टू स्लीप बिफोर 10, क्योंकि वो कफ टाइम होता है, ऑटोमेटिकली अच्छी नींद आएगी, क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी होगी. और अगर आप थोड़ा लेट हो जाते हैं सोने में, 10 से ज्यादा लेट हो जाता है, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप धीरे धीरे कम होती जाएगी. तो आप भले 8 घंटे सोए, 10 घंटे सोए, अगर आप लेट सोएंगे तो वो 10 घंटे विल बी जस्ट लाइक 5 hours ऑफ स्लीपिंग अर्ली. तो यू हैव टू वर्क वेरी स्मार्टली. आपको है 24 घंटे ही, उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो आपके ऊपर है. तो यू हैव टू बी अ स्मार्ट प्लानर. स्लीप एटलीस्ट फॉर 7 to 8 hours. तो कम नहीं सोना है. अगर आप बहुत पढ़ाई करते हैं तो जितना ज्यादा सोएंगे उतना ज्यादा याद रहेगा. तो कोई मतलब नहीं होगा अगर आप कम सो रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं बट वो आपको याद ही ना रहे. तो इससे अच्छा है कि आप ज्यादा सो के अपने बॉडी और माइंड को एक्टिवेटेड रखिए. वट एवर यू आर एटलीस्ट रीडिंग नाउ और लर्निंग नाउ, यू हैव दैट रिटेंशन ऑफ मेमोरी 1 महीने बाद. 1 महीने बाद आपको वो याद रहे. सो दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट. और ये कुछ बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं, बहुत ज्यादा डाइट नहीं डाली है मैंने.
बट फॉर यू गाइज यू शुड ईट मोर ऑफ डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरे पत्ते की सब्जियां होती हैं वो बहुत खानी चाहिए, क्योंकि उसमें मिनरल्स बहुत हाई होते हैं. आपको हर चीज सप्लीमेंट के थ्रू लेने की जरूरत नहीं है, सब चीज सब्जियों में फ्रूट्स में मिलती है नेचुरल फॉर्म में. तो जितनी आप हरे पत्ते की सब्जी खाएंगे उतना ज्यादा आपके बॉडी में मिनरल्स अच्छे रहेंगे, और मिनरल्स अच्छे रहेंगे तो आप एक्टिव ज्यादा रहेंगे, आपका माइंड एक्टिव रहेगा. और ओमेगा ज्यादा खाना चाहिए आपको. सो इफ लाइक यू आर नॉन वेज ईटर, आप फिशेस खा सकते हैं, उसमें ओमेगा थ्रीज बहुत होते हैं. एंड अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वॉलनट्स वो खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स और शिया सीड्स. आई डोंट नो आप लोग अपने लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, बट फ्लैक्स सीड्स हिंदी में अलसी के बीज बोलते हैं, एंड अखरोट होता है वॉलनट. एंड शिया सीड्स का मोस्टली इंडिया और नेपाल में इतना ग्रोथ नहीं होती है, बट आई थिंक फिर भी इम्पोर्ट वगैरह होता है वहाँ पर. सो बैलेंस योर मैक्रोज. मैक्रोज मीन्स कितना फैट लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, आपको ये सब बैलेंस आउट करना पड़ेगा. सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन नहीं खाना है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना है, सब बैलेंस स्टेट में होना चाहिए. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. पानी बहुत पीना है. मेक श्योर द हाइड्रेशन इज नॉट जस्ट कमिंग फ्रॉम वाटर, इट इज कमिंग फ्रॉम मिल्क, इट इज कमिंग फ्रॉम कोकोनट वाटर, इट इज कमिंग फ्रॉम वाटरमेलन, जितने भी वाटर रिच फ्रूट्स हैं उसके थ्रू आ रहा है. तो अपने आपको हाइड्रेटेड रखना है, बिकॉज आर बॉडी इज मेजरली वाटर. और क्या चीज अवॉइड करनी है आपको, कैफीन कम लेना है, कॉफी चाय कम लेनी है, स्पेशली इन द इवनिंग टाइम. बहुत ज्यादा स्ट्रेनस वर्कआउट नहीं करना है, वर्कआउट करना है बट बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं करना है कि आप बिल्कुल एग्जॉस्टिव स्टेट में चले जाएं. बहुत स्पाइसी फूड नहीं खाना है, लेट नाइट आपको वर्क नहीं करना है या लेट नाइट स्टडीज नहीं करनी है, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है. जब बहुत मेंटल स्ट्रेस होने लग जाए टेक अ ब्रेक, गो आउट एंड वॉक और एल्स डू सम एक्सरसाइज, बट एक एक्सटेंडेड लेंथ तक डोंट टेक मेंटल स्ट्रेस, नहीं तो आप एग्जॉस्टन की सिचुएशन में आ जाएंगे. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट फील जेलस और डोंट क्रिटिसाइज एनीवन. सो इफ एनीवन इज प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, फील इट एज इफ यू आर ऑल्सो प्रोग्रेसिंग, बिकॉज अगर आपके फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं तो इवेंचुअली आप भी बढ़ेंगे. सो मेक श्योर यू आर नॉट फीलिंग दैट जेलसी थिंग, क्योंकि वो आपकी माइंड ब्रेन सेल्स को किल करता है. बहुत क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी को, किसी के पीठ पीछे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है. यू हैव टू मेक श्योर यू आर वेरी पॉजिटिव, बिकॉज इफ यू आर पॉजिटिव यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ, इफ यू आर नेगेटिव यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव थिंग्स इन लाइफ. सो मेक श्योर यू आर नॉट जेलस एंड क्रिटिसाइजिंग एनीवन. सो या दीज आर द रेफरेंसेस जिससे भी लिए हुए हैं, एंड दिस वाज जस्ट वन लाइन. डोंट स्ट्रेस द कुड हैव्स, मतलब उस पर स्ट्रेस नहीं करना जो आपको मिल सकता था, क्योंकि अगर आपको मिलना चाहिए था तो वो मिल जाता. सो मेक श्योर वट एवर यू हैव यू एक्सप्रेस थैंकफुलनेस फॉर दैट, एंड बहुत वरी नहीं करना है कि मुझे अगर मेरे पास ये होता तो क्या होता. डोंट वरी अबाउट दैट, अगर वो आना है वो आएगा, डू हार्ड वर्क फॉर दैट बट डोंट स्ट्रेस अबाउट इट. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी आउट टुडे. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हैं यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन यू हैव. Thank you so much, ma'am. You have explained so briefly about the stress and how to move on in life, keeping aside that. And now I want to inform all of our viewers that we are going to enter to our Q&A session. So, ma'am, there are a few questions that our viewers want to ask to you. Sure. Sonika Mandri has asked you that when we get unsatisfied result, then what we expected, then lots of negative thoughts come into our mind. Negativity increases so much that we feel like quitting. How to handle that situation and move on from it? She has asked, ma'am. Okay, so first thing is, whenever something negative happens, start doing your homework, why it happened and how you could have reversed the situation. So in case, if again you have to give the same, agar same examination dena hai ya same situation aani hai, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप डिफरेंटली कर सकते थे. तो ट्राई टू नो योर लूप होल्स, कहाँ पर क्या कमी रह गई थी, क्योंकि फोकस ऑन ग्रोथ. जहां पर आप अटक के रह गए कि हमने ये नहीं कर पाए तो हम आगे भी उस चीज को नहीं करेंगे, ये माइंडसेट अगर एक बार आ गया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, तो ये भी याद रखना है. फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, फेलियर्स की एक अपनी जगह होती है. सो Never feel very disheartened about anything. हमेशा plan ahead. अगर आपने अभी कुछ भी lose किया है या फिर आप successful नहीं रहे हैं, आगे की strategy बनाइए, because it will make you stronger and stronger. ऐसी situation कभी भी life में future में आती है तो आप उससे एक step आगे बढ़ चुके हैं. So take it as your stepping stone to success. Don't keep on thinking negatively about it.
तो वही जो हमने डिस्कस किया था अभी स्लाइड्स में, अपनी अवेयरनेस को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है और उसी में रखना है. अगर माइंड इधर उधर जाता है नेगेटिविटीज में, तो वापस पुल बैक करके पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है. बिकॉज लाइफ इज वेरी बिग, लाइफ बिग भी है स्मॉल भी है, तो हमेशा नेगेटिविटी से दूर भागना है, पॉजिटिविटी की तरफ जाना है. आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन. Yes, ma'am, still you have. Ma'am, now I want to move to our next question. Still many people don't consider mental health as necessary and important. How can someone identify or recognize that he or she is being the victim of mental health? Okay, the first symptom will be, कोई भी जो situations होती थी आप में, आपको जिस talent में या फिर अपनी skills में happiness होती थी, वो आपको कम होने लग जाएगी. For example, अगर आपको drawing बहुत अच्छी लगती थी पहले, बट सडनली यू हैव रियलाइज कि आपको उसमें इंटरेस्ट आना बंद हो गया है, या फिर कोई भी एक्टिविटी है. फॉर एग्जाम्पल, यू यूज टू लव गोइंग इन नेचर, बट नाउ यू फील लाइक उतनी अच्छी मुझे चीज नहीं लग रही है. इट डायरेक्टली मीन्स समवेयर यू आर स्ट्रेस्ड आउट. आपको जो थॉट है वो कहीं पर अटक गया है. वट एवर सिचुएशन एंड हैप्पीनेस यू यूज टू फील बिफोर, इट हैज गॉन. तो ये फर्स्ट सिम्टम्स आपको मेंटली बताएगा. फिजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, आपकी नींद बहुत बढ़ जाएगी, तो आपको उठने का मन नहीं करेगा, या फिर कोई आपको विगर नहीं रहेगी, उठ लगेगा उठ के भी क्या करना है. तो ये सारे के सारे सिम्टम्स जैसे ही आना शुरू हो जाए, मेक श्योर मतलब ये डेफिनेट सिम्टम्स हैं कि योर मेंटल हेल्थ इज समवेयर गेटिंग डिस्टर्ब. उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देना चाहिए. एंड मेक अ वेरी गुड फ्रेंड. वो फ्रेंड कहीं पर भी बना सकते हैं आप. इट कैन बी ईदर योर स्पाउस, इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर लाइक स्कूल फ्रेंड्स, कोई भी. आप किसी को भी एक फ्रेंड बनाइए जिससे आप बात कर सकते हैं. सो अ पर्सन हु यू नो विल नॉट जज यू. तो ऐसा पर्सन से पूरा खुल के बोलिए, बिकॉज एट टाइम्स व्हेन यू एक्सप्रेस थिंग्स आउट, आपकी बहुत सारी सिचुएशन या मेंटल कंडीशन बैलेंस होने लग जाती है. और कई बार वहां से भी आपको पॉजिटिव फीडबैक्स मिलते हैं, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है तो वो आपको हेल्प करता है. अगर ऐसा कोई भी नहीं मिल पा रहा है तो डू मेडिटेशन. मेडिटेशन इज लाइक यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, एंड वाइल यू मेडिटेट यू विल स्टार्ट टू गेट आंसर्स. यू विल स्टार्ट टू नो क्यों आपको मेंटल कोई भी डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या सोल्यूशन ले सकते हैं. बिकॉज द अल्टीमेट गोल इज टू गेट द सोल्यूशन टू मैनेज दैट स्ट्रेस. टॉकिंग अबाउट द मेडिटेशन, सागर जम थापा एज आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज आई हैव ट्राइड मेडिटेशन while trying to focus or concentration on imaginary point on my mind, many thoughts come popping in my mind. How can I control my thoughts? Yes, Axman. Okay, so what happens is, it is very, very, very normal कि आपके mind में बहुत सारे thoughts आते हैं. So when you are trying to concentrate, let those thoughts come, but let one thought come at a time. तो क्या situation में करना चाहिए? Because generally beginners के साथ ये problem होती है. या तो आप एक music on करिए और उस म्यूजिक में लाइक हाउ आई वॉज डिस्कसिंग, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे होते हैं. यू पिक आउट एनी वन इंस्ट्रूमेंट एंड जस्ट फोकस ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट. तो उससे क्या होगा कि कभी कभी वो इंस्ट्रूमेंट स्लो पेस में जाएगा, कभी बहुत लाउड होगा, तो आपका माइंड ढूंढेगा उस इंस्ट्रूमेंट की साउंड को जब वो लो जाएगा. सो दैट इम्प्रूव्स योर कॉन्सेंट्रेशन. बट इवन देन क्या होता है, फॉर 10 सेकेंड्स यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट, देन सडनली सम थॉट्स स्टार्ट्स टू कम इन. At that point, let that thought come in. उस thought को आने देना चाहिए, but focus उसी एक thought पे. Now don't let other thoughts come in. तो ऐसे situation में जब बहुत सारे thoughts आते हैं, अब one by one thoughts को आप tackle करिए. तो क्या होगा, काफी सारे thoughts आपके बिल्कुल चले जाएंगे, because आपको realize होगा कि कुछ thoughts का कोई मतलब भी नहीं है. तो basically आप अपने mind को train कर रहे हैं to think about things which value you, जिसकी कोई value है आपकी life में. फालतू के थॉट्स आपके उससे निकल जाएंगे, आपके डोमेन से बाहर निकल जाएंगे. सो मेडिटेशन में फॉर स्टार्टर्स, इफ लॉट्स ऑफ थॉट्स आर कमिंग, लेट देम कम, ऑब्जर्व योर थॉट्स, ऑब्जर्व साउंड्स कमिंग इन सराउंडिंग, बट वन थिंग एट अ टाइम, कॉन्सेंट्रेट ऑन जस्ट वन थॉट. सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. इवेंचुअली आपके थॉट्स 10 आते हैं, अगर सिर्फ 5 आएंगे, इवेंचुअली 2, मे बी 0 आफ्टर सम टाइम. दैट्स व्हेन योर मेडिटेशन विल बिकम क्वालिटी मेडिटेशन. बट डोंट गिव अप. That's important. Don't give up. Keep on doing. Keep on progressing. One day at a time. Thank you so much, ma'am. Moving towards the next question, Swigiti Aurel has asked a question that many students are getting addicted to social media, which hampers their studies and also results to stress and anxiety. What are the ways to stop social media addiction?
okay, social media is always not bad again. What, where you are focusing, that is important. Social media में बहुत inspirational चीजें भी आती हैं. So you should, आपके सामने कोई मिठाई रखी हुई है, आपको मिठाई बहुत पसंद है, आपको कोई बोले मिठाई खानी नहीं है, you cannot do that. That is like something, कभी आपको अकेले रूम में भेज दिया जाए और मिठाइयाँ ही है, you will overeat it, right? You should be very smart. Smart in ways to know what social media and what pages to follow, what people to follow. Always follow people, always follow pages that are motivational to you. क्योंकि आप जब उन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे, उन्हीं थॉट्स के बीच में रहेंगे, आपका माइंड भी वैसा बनेगा. इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज, जो भी ऐसे पोस्ट होते हैं विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज लाइक जस्ट शो ऑफ मे बी, वो सारे के सारे चीजें आपको अनइम्पॉर्टेंट लगनी शुरू हो जाएगी अंदर से. सो यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर सेल्फ एक्टिवली, बट अंदर से आपका ब्रेन ही ऐसा प्रोग्राम हो जाएगा कि आपको वो सारी की सारी चीजें अननेसेसरी लगेंगी. So never blame social media. Social media में दोनों तरह की चीजें होती हैं. Focus on where you have to focus. And also remember, social media में जो likes आते हैं या फिर बहुत सारे जो positive endorphins जो release होते हैं जितने high likes से, उससे अपने आपको relate नहीं करना चाहिए. Endorphins किससे release करवाने चाहिए हमें? Yoga से, more talking to our friends. ये सब वर्चुअल एनवायरनमेंट होते हैं. लॉट्स ऑफ पीपल हु गेट्स मोस्ट लाइक्स, दे आर वेरी अनहैप्पी इन देयर रियल लाइफ. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. यू हैव टू अंडरस्टैंड, नेवर जज योर बीइंग या फिर नेवर जज कि आप कितने, आपकी वैल्यू कितनी है जस्ट बाय सीइंग लाइक्स. फॉर एग्जांपल, आपके फ्रेंड ने पोस्ट किया, ही इज गेटिंग, ही और शी इज गेटिंग 100 लाइक्स एंड देन यू आर गेटिंग जस्ट 3 or 4 लाइक्स. डजंट मैटर. डोंट एवर जज दैट. जज योर सेल्फ ऑन बेसिस ऑफ दैट. तो सोशल मीडिया में स्टार्ट जस्ट फोकसिंग ऑन थिंग्स विच आर मोर मोटिवेशनल एंड लुक फॉर पेजेस विच आर लाइक, फॉर एग्जाम्पल, दीपक चोपड़ा हो गए, सदगुरु हो गए, पेजेस लाइक दैट विच विल इंस्पायर यू, विच विल मेक श्योर दैट यू आर हेडेड टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन. आप रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहे. सो सोशल मीडिया स्टिल ओके, बट बी स्मार्ट. मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम अ स्टूडेंट बट नॉट एबल टू फोकस ऑन माई स्टडीज, नीदर आई मीन लव नॉर आई हैव any other problem, what may be the possibilities of this, how can I move over from this situation? One question I have. Okay, this is called situation of inertia. So inertia, aapne suna hoga, teen tarah ke mindset hote hain, sattvik, rajasik aur tamasik. Jab bhi aise situation aa jaye jisme aapko reason hi nahi pata hai ki what is the reason why exactly you are not having that that energy to do anything, it means you are in state of inertia or laziness. उस चीज को हटाने के लिए स्टार्ट चेकिंग योर डाइट. क्या आप बहुत तामसिक खाना तो नहीं खा रहे हैं? क्या आप बहुत ज्यादा स्टेल खाना तो नहीं खा रहे? स्टेल का मतलब है कि आपने एक दिन पहले का बना खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्याज लहसुन इस टाइप की चीजें तो नहीं खा रहे? ऑल्सो, आर यू डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी और नॉट? ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके अंदर हॉर्मोन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर्स बैलेंस्ड है कि नहीं? तो ये बेसिक चीजें हैं. सो रादर देन थिंकिंग अ लॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, चेंज योर लाइफ स्टाइल. आप डाइट फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बढ़ा दीजिए, फ्रेश खाना ही खाइए, लाइक ईट विद इन 2 hours ऑफ कुकिंग. जब खाना बनता है रात में जल्दी सोइए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के योगा करिए. इससे क्या होगा कि आपकी माइंड और बॉडी इतने एक्टिवेटेड हो जाएंगे कि अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप करेंगे. तो यू जस्ट चेंज योर डाइट, चेंज योर लाइफ स्टाइल एंड देन यू विल सी that you will become so motivated to do whatever you are doing. अगर आप पढ़ाई में करना चाह रहे हैं तो आपकी पढ़ाई की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. जो आप पहले 6-6 घंटे में करते थे, maybe you will be able to finish in 1 hour and that too you will remember it. Main चीज़ है आपने पढ़ाई भी कर ली बट याद नहीं रहता है. तो अगर आप योगा भी कर रहे हैं, डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, तो आप बहुत स्मार्ट लर्नर बन जाएंगे. यू विल हैव वेरी गुड मेमोरी एंड यू विल फिनिश अ पर्टिकुलर टास्क इन स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम एंड यू विल रिटेन इट फॉर लॉन्गर टाइम. So much, ma'am. And here is next question. At school life, still lots of teenagers has to face body shaming, bullying, racism, discrimination, which causes deep impact on child's mind and may lead them to mental stress. How to overcome the problem? Also, how can this be stopped? Okay. The thing is, you cannot stop people from bullying you. The thing, what you can stop is either not to think a lot about it. And child, they cannot control a lot of things. अगर वो छोटा बच्चा है, वो control नहीं कर पाएगा बहुत सारी चीजों को. उस समय सबसे ज्यादा important role जो आता है वो parents का आ जाता है, even friends का. उसकी self worth, अगर उसको कोई बताए कि he is very important to people around him, भले ही 2-3 लोग important है उसकी life में, but बहुत ज्यादा उसको वैल्यू करते हैं. अगर उसको ये पता लग जाए तो बुलिंग वगैरह इतना ज्यादा उसको बॉदर नहीं करेंगे. बट स्टिल
क्या होता है कि चाइल्ड जो ये ट्रॉमा अगर बन गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 7 ईयर्स के थे, 10 ईयर्स के थे एंड यू वर बीन बुलीड, इट स्टेज इन योर माइंड समवेयर. तो जब आप बड़े होते हैं, आप या तो आप वर्क में जाते हैं और कोई थोड़ा सा भी बुली करता है तो आपका पुराना पास्ट एक्सपीरियंस वापस आने लग जाता है. सो देर आर टू कंडीशंस. इफ यू आर स्टिल चाइल्ड एंड गेटिंग अब्यूज, वहां पर आपके पेरेंट्स को थोड़ा सा अपना चाइम इन करना पड़ेगा, पेरेंट्स को सिचुएशन हैंडल करना पड़ेगा बाय इम्प्रूविंग और इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस इन दैट चाइल्ड. बट अगर आपके साथ ऐसा हुआ है इन योर चाइल्डहुड एंड देन नाउ यू आर गोइंग इन कॉलेज और इन वर्क सिचुएशन एंड यू स्टिल फील लाइक कि जरा सा भी कोई जनरल डिस्कशन या डिबेट भी होता है तो आप अंदर से आपको बुलिंग ऐसा लगता है कि कोई आपको बुली कर रहा है क्योंकि पास्ट ट्रॉमा है, देन यू शुड स्टार्ट डूइंग लॉट्स ऑफ प्राणायाम मेडिटेशन. ये साइंटिफिक है, जब आप बहुत प्राणायाम और मेडिटेशन करते हैं आपके सबकॉन्शियस में जो भी चीजें आप चली गई हैं या फिर इम्बेड हो गई है या फिर छप गई हैं वो धीरे धीरे इरेज होने लग जाती है एंड आप न्यू ब्लूप्रिंट बनाते हैं अपना. सो जो पुराना ब्लूप्रिंट है, अननेसेसरी ब्लूप्रिंट है, वो इरेज होता जाएगा एंड न्यू पॉजिटिव ब्लूप्रिंट जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा बनता चला जाएगा. सो दैट्स हाउ यू शुड टैकल व्हेन इफ यू हैव टू फेस इट. इफ यू सी समवन हु इज अ चाइल्ड एंड उसके साथ हो रहा है तो यू कैन हेल्प दैट चाइल्ड बाय मे बी टॉकिंग वेरी मोटिवेशनल थिंग्स, टेकिंग हिम आउट विद यू फॉर लिटिल वॉक और एल्स रीडिंग विद हिम अलॉट. सो दैट हेल्प्स अलॉट. देन वो चाइल्ड को पता लगता है कि यू नो दीज ऑल थिंग्स इज नॉट समथिंग विच ही शुड टेक सीरियसली. लाइफ में और भी चीजें हैं, उसको बिगर पिक्चर दिखाना पड़ेगा, ब्रॉडर पिक्चर दिखाना पड़ेगा और उसकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना पड़ेगा. मैम, हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन. अनीस हैज आस्क्ड दिस वन, व्हिच मेथड इज बेस्ट टू फाइंड द मेडिटेटिंग एंड मॉडरेटिंग इफेक्ट्स ऑफ वेरिएबल्स. सॉरी, लास्ट वन वाज मेडिटेटिव इफेक्ट ऑफ वेरिएबल्स. मेडिटेटिंग एंड मॉडरेटिंग इफेक्ट्स ऑफ वेरिएबल्स मैम. वेरिएबल्स यू मीन? I also don't have idea about this. Which method is best to find the meditating concept? Okay, what I have understood from this question is maybe he or she is asking to know how they can do best way of meditation. That's what I'm understanding. So the best way to meditation is not always to sit and meditate. You can also do it while you are eating your food. You can also do it while you are walking. So meditation is when you are totally present in current situation. So if you are studying, just focus on studies. So just focus on the lines you are reading and try it. Even if it is like for 5 seconds you are able to hold your concentration, just try it and focus just on reading the words. See how letters are curved and see how the statements are formed. So this way, that is your meditation. If you are walking, just focus on walking. Just feel like how your feet are moving, feel like what type of floor it is, feel like how the air is. So that is also meditation. When you are talking to your parents, your friends, just focus on them, what they are speaking, how their expressions are they sad, are they happy, are they able to express themselves fully. That is also meditation. So not always you have to take time out and sit to meditate. You can meditate while you are doing your day-to-day activities, which is called as karma yoga. So karma yoga is when you are doing your work and totally focusing on that without expecting anything in return. तो ऐसा नहीं करना है कि अगर suppose आप किसी की help कर रहे हैं या अपने friends की बात को सुन रहे हैं so you should expect कि उसको मेरे कुछ help करनी पड़ेगी क्योंकि I am doing a favor to my friend. No, you should always do it selflessly. So that is also a part of meditation. Thank you, ma'am. Here is next question. Despite of preparing well for the examination, due to panic, many students can't express how much they have studied. How can we control exam fear? Exam phobia. Okay, for that they have to practice little bit beforehand. So what they have to do is, firstly, when they are studying, they have to make sure they have to have that confidence in themselves. Whatever they are studying, उसको वो उतना express कर पाएंगे. तो they have to do self talk, positive talk to themselves. क्योंकि होता क्या है, हमारा mind सब सुनता है. It cannot know what is wrong or right, या reality है या fictitious है. तो अगर अपने आपको mind को feed करते रहेंगे हम लोग कि what if हम भूल गए तो हम definitely भूल जाएंगे. हमको अपने mind को feed करना पड़ेगा, उसको strong करना पड़ेगा. Mirror के सामने जाके बोलना है कि I'm strong, I will remember everything and पूरे time वो positive frame of mind में रहना है. Law of attraction. So if you will attract all the positive thoughts and positive confidence in yourself,
you might actually perform better than what you have studied. So you have to know this science. जितना आपने पढ़ा है जरूरी नहीं है कि आप उसी लेवल का एग्जाम में देखेंगे, कई बार आप उससे अच्छा भी करते हैं. उसमें आपको सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे. सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है आपने सब कुछ पढ़ लिया अपने करिकुलम में एंड देन एग्जामिनेशन में थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट आ गया, तो उस समय सबसे पहले पैनिक नहीं होना है. आपको पहले कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैंने सब पढ़ा है, इवन अगर 10% छोड़ा है तो कोई बात नहीं, आई विल स्टिल बी एबल टू राइट समथिंग इन दिस. सो जहां पर आपने अपने माइंड को ये कॉन्फिडेंस दिया वो उसको टैकल कर लेगा. सो वेन एवर यू फील लाइक यू आर कमिंग इन दैट पैनिक स्टेट, ट्राई टू टेक डीप ब्रेथ्स फर्स्ट, वेरी डीप ब्रेथ्स, एब्डोमिनल ब्रेथ्स. जब आप सांस अंदर लेते हैं एब्डोमिन बाहर, सांस छोड़ेंगे एब्डोमिन अंदर. डू इट फॉर 5 times, डीप ब्रेथ एंड गिविंग योर ब्रेन दैट रीअश्योरेंस दैट आई विल डू वेल, आई विल बी एबल टू हैंडल इट, आई विल बी एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड ऑल्सो एवरीथिंग इन फ्यूचर. तो आपको अपना ही सबसे बड़ा मोटिवेटर बनना पड़ेगा. वेन यू विल बी योर मोटिवेटर आपको पैनिक अटैक्स नहीं आएंगे. सो दिस इज हाउ यू शुड टैकल ऑल दी सिचुएशंस. एंड उससे क्या होगा, आपका जो अकेडमिक या फिर एग्जाम में जो भी रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव नहीं आएंगे. इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. यू विल ऑलवेज फील दैट यू आर परफॉर्मिंग बेटर देन हाउ मच यू हैव स्टडीड. Ma'am, how to remain positive all the time, ma'am? What is the secret of remaining positive all the time? Okay, so being positive all the time is not very much possible. Kabhi-kabhi negative thoughts bhi aayenge. So it is okay to actually feel negative at some time because you are human. अगर पूरे टाइम आप पॉजिटिव रहने लग जाएंगे तो आई एम प्रीटी श्योर फिर सारे साइंटिस्ट सब आप ही के पास आएंगे. आप पेटेंट लिख सकते हैं कि आप पूरे टाइम पॉजिटिव कैसे हैं. नेगेटिव जब भी आता है लेट इट बी देयर फॉर 5-10 minutes एंड देन कम बैक टू पॉजिटिव. तो सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी मैक्सिमम टाइम के लिए रहने के लिए हमेशा फोकस ऑन हाउ यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड थिंकिंग अबाउट अदर्स. मोस्टली आपने नोटिस किया होगा लोगों को प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि उनको दूसरे की जो हैप्पीनेस होती है वो अपने आप को कंपेयर करने स्टार्ट कर देते हैं. सो दैट इज लाइक बहुत ही कॉमन आजकल का हमारा जो यूथ है या फिर आजकल की जनरेशन है उनके साथ ये प्रॉब्लम है कंपैरिजन. आपने जब कंपैरिजन बंद कर दिया आपकी हैप्पीनेस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा. सो कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स, ग्रेड्स एज इन मार्क्स, comparison in terms of financial health, comparison in terms of whatever, looks. तो comparison बंद करके अपने आप को ये मानना है कि I am an individual who have my own individuality, मेरे अपने positive points हैं और उन positive points को मुझे कैसे grow करना है. तो suppose आपका mind बहुत अच्छा है, आपकी vocabulary बहुत अच्छी है, तो start reading lots of good books. तो दीज गुड बुक्स विल हेल्प यू. जब आप किसी बहुत अच्छे से किसी लोग से बात करेंगे दे विल सी योर नॉलेज, इट माइट हेल्प यू इन वर्क इन फ्यूचर. तो हमेशा अपने आपको छोटे छोटे गोल्स देते रहने चाहिए कि मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई योगा आसन है तो ये योगा आसन की टेक्निक पूरी लर्न करनी है जिससे कि मेरा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम खत्म हो जाए. तो आपने अपने आपको गोल दे दिया, नेक्स्ट गोल ये बुक फिनिश करनी है, नेक्स्ट गोल इतने बजे उठना है. तो आपका माइंड कॉन्स्टेंटली अपने बनाए हुए सेट ऑफ रूल्स पे रहेगा रादर देन यूजलेस थिंग्स में. यूजलेस थिंग्स लाइक कंपैरिजन, यूजलेस थिंग्स लाइक थिंकिंग अबाउट व्हाट इज लैकिंग इन योर लाइफ, यूजलेस थिंग्स लाइक फालतू का कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट फ्यूचर. तो जब वो चीज खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली यू विल बी इन पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, ऑलवेज थिंकिंग पॉजिटिव, ऑलवेज लुकिंग बियॉन्ड you know the negative things. So that's how you can be positive most of the time. The main thing is we have to keep ourselves engaged and busy, man, so that and in positive things, busy not in worrying, busy in like very positive things what to get. Yes, sure, man. Mm-hmm. Here is next question from Muna Yogi. In this pandemic hundreds of people have done suicide. What may be the reasons and how it can be solved? Okay, the main reason why people are feeling more depressed is because they do overthinking. Kai logo ka job gaya, that is also the fact. They have lost their job, but they were always in that sense of security either given by their parents or siblings. They were not being able to stay that strong. To jo mostly jinke suicide zyada jinke hue hain ya to unke andar kuch mental cheez bahut pehle se chal rahi thi aur abhi सडनली एक स्ट्रेसर आया. सडनली या तो उनका जॉब चला गया या फिर मे बी वो स्पाउस के साथ रहते हैं तो दे केम टू नो दैट दिस इज द नॉट राइट स्पाउस. देयर वेरियस रीजंस.
So to prevent, you cannot prevent like suddenly kisi cheez ko, but still what you can do is you can prepare people around you or even yourself by building positive roadblocks. Positive roadblocks is by doing socially bahut zyada logo se involved rehna. So even if you're not able to meet them physically, talk to them, call them, and be very vulnerable. Vulnerable ka matlab hai ki express yourself. Don't feel like ki agar maine bahut zyada express kar diya to other person will judge me. No. Be like very true, very transparent. To is wajah se kya hota hai, aapke emotions jo hain, jo negative emotions andar ban rahe hote hain, you release them out. जब आपने एक बार रिलीज कर दिया तो आपके अंदर नेगेटिविटी चली जाएगी. भले ही आप बहुत पॉजिटिव ना हो पाए बट नेगेटिविटी चली जाएगी. देन आप घर में रहते हैं, फिजिकल आपका बहुत वर्क नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो काफी लोगों का जो हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है. सो दे टेंड टू बिकम मोर डिप्रेशन, डिप्रेशन की स्टेट में आ जाते हैं वो. तो उस स्टेट में दे एट टाइम्स टेक रॉन्ग डिसीजंस, एक्सट्रीम स्टेप्स लाइक सुइसाइड. सो ब्लड सर्कुलेशन को हमेशा ऑन रखना है. सो फॉर दैट कीप ऑन डूइंग सम वर्कआउट. अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो बहुत सारे आसन हैं, आप घर पे करिए. जिम की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है. डू लॉट्स ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स, क्योंकि वो ब्रीदिंग जो होता है आपके ब्रेन को भी कंट्रोल करता है और फिजिकल उसको भी बैलेंस में लेके आता है, आपके ऑर्गन्स को. आसन करिए, बहुत से सूर्य नमस्कार है, सारे चक्रास को बैलेंस करता है. सो बेसिकली सबका जो सोल्यूशन है, योगासन एक बहुत ऐसा इफेक्टिव चीज है. योगासन, योगा प्राणायाम, मेडिटेशन जो आपको सपोर्ट करता है, प्लस योगा के जो फर्स्ट टू लिम्स हैं, खूब लोगों से बात करिए, पॉजिटिव सोचिए, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर पीपल. आपकी जॉब गई है, दूसरे की नहीं गई है, तो डोंट फील बैड अबाउट इट, समथिंग गुड विल हैपन, ऐसा आपको माइंडसेट में रखना है. एंड कोविड सिचुएशन इज अ वेरी गुड टाइम जब लोगों को अपने आप में रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिला है. नहीं तो देवर बिजी इन लाइफस्टाइल, उनका बिजी था, वर्क में जा रहे हैं या फिर किड्स को बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, एंड देन दे वर स्टक विद सम थिंग्स. बट नाउ रिफ्लेक्शन का टाइम मिला है, बहुत भागा दौड़ खत्म हो गई है. यू आर स्टेइंग विद योर सेल्फ इन योर ओन कंपनी, सो ट्राई टू लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ, ट्राई टू ग्रो योर सेल्फ. अगर आपकी कोई एक्टिविटी जो आप पहले करते थे वो खत्म हो गई है, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स. वट एवर जो आपकी प्लेट में, ऐसा बोलते हैं, बट बहुत सारी चीजें जो आप करना चाहते थे नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू डू इट. सो फोकस ऑन दोज थिंग्स दैट यू वर ऑलवेज थिंकिंग कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ये करता या ये करती. स्टार्ट डूइंग दैट नाउ, इट्स द राइट टाइम. सो दैट वे यू कैन जस्ट फोकस ऑन ग्रोइंग फॉरवर्ड रादर देन यू नो गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. थैंक यू सो मच मैम. हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन. सविन थापा वांट्स टू नो, व्हाई डू आई फील रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर फ्रेंड्स एंड कैन नॉट अप्रोच एनीवन. Sorry, what was that? Why? Why do I feel really different from other friends and cannot approach anyone? I think he's a bit introvert type person. Yes. So that's what has happened. Like when you are introvert, it happens, which is very normal. The thing is whether you really want to approach anyone, and if you want to approach, what type of approach you are looking for. If you want to talk to your friends, are you able to talk to your close friends or no? That is one question. And also if you are able to, what type of expression you have to do. So read those things, where you are not able to express yourself and why you think you cannot express yourself. Do you think people will judge you? Aisa lagta hai ki agar aapne kuch bola to judgment start ho jayega, ya fir you are not capable enough. To wo jo thought aata hai usko block kar dena hai. Jab aap just express karne wale hote hain apne aap ko, usse pehle ek thought aata hai ki agar maine ye bola to wo mere bare mein kya sochega, kya sochegi, usko band kar dena hai. तो आप एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आप को. जस्ट गो एज अ ब्लैंक स्लेट एंड टॉक टू देम. उनको जो सोचना है, जो करना है, लेट देम डू इट. बस वो माइंड में बैठा देना है कि यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ व्हाट दे विल थिंक. सो आप नोटिस करेंगे कि यू विल बी एबल टू टॉक टू पीपल. एंड देन इंट्रोवर्ट होना में बहुत पॉजिटिव्स भी होते हैं. तो बेसिकली यू कैन बी इंट्रोवर्ट, बट इंट्रोवर्ट लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं. सो देर आर अदर टैलेंट्स विच माइट बी ब्रूइंग इनसाइड यू. सो डोंट वरी अबाउट इट. You can just work on being more expressive by blocking certain thoughts, but you should not worry about it. Thank you so much, ma'am. Now we are almost at the end of the session. What do you want to say to all the viewers who are watching us live now? I will just say that it was a very interesting talk, and I'm so thankful that I was able to connect with you, everyone. And I hope you, if you want, you can still stay in contact with me. I am on social media. Like I've said, social media is not always bad. So you can contact me on social media. I'm on Instagram.
by name Pranjali Sharma. I have also started my YouTube channel. So right now I've just done like 2 videos, but it is all related to health. So you can look up by my name Pranjali Sharma and then also add Prayoga, Prayoga. So you can subscribe to my channel. I will keep on updating new things related to anxiety, stress, heart condition, and various other problems. And you can contact me on Facebook as well. So you can message me. So anytime if you want anything message related to health and any queries, you can contact me anytime and I'll be glad to help you, to be in contact with you. And I just hope all the positivities is reflected. You stay healthy and happy and stay safe in this COVID situation. I see a few chats. I don't know if you... Okay, there are no questions, I guess. Thank you so much. All the questions, ma'am, that are in the chat box. Yeah. Thank you, everyone, for this chat. Thank you for positive chats. Now we are almost at the end of our session. Now I would like to call our chairperson of Defence Career Academy Nepal, TCAN, ex police officer SSP Gupta Bahadur Shrestha sir, to provide a virtual token of love and vote of thanks to our honorable chief guest. Thank you. Thank you so much. Namaste, everyone. Sabile namaskar. Namaste. Namaste, Dr. Pranjali. How are you? I'm fine. How are you? Yeah, fine, really fine. It's very nice. I am very glad and very happy to see you now. So today's session is more effective and more positive. I think so. So you share to all of us that's the positive thought. And what I think that most of the people in this age, आपके जो यंग पीपल हैं ये यंग पीपल ज्यादातर ऐसा है कि ज्यादा एम्बिशियस होने लगे हैं ऐसा लगता है या इट इज नॉट बैड टू बी एम्बिशियस बट चैनलाइज नहीं कर पाते हां जी ये मनी के पीछे लग रहे हैं ये नेम के पीछे लग रहे हैं ये फेम के पीछे लग रहे हैं नेम फेम मनी सब कुछ चाहिए इनको शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइम में तो इसलिए ज्यादा स्ट्रेसफुल देखते रहे हैं इसमें अभी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो क्लास हुआ है इसमें स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं इसको बहुत सुंदर ढंग से आपने इसको प्रस्तुत की तो ये बहुत अच्छा लगा इसमें और ज्यादा हमको और सुनना चाहिए और बुझना चाहिए और इसको अपने से उसमें लगना चाहिए तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो यंग पीपल हैं ये यंग पीपल ऐसा सोचते हैं कि जो मेडिटेशन का बात है मेडिटेशन तो आफ्टर 50 और 60 को करना चाहिए अभी ये मेडिटेशन का टाइम है नहीं यही सोचते हैं अभी इस टाइम के लोग तो आप बताया कि स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं उनका मेडिटेशन कितना महत्वपूर्ण है कितना इम्पोर्टेंस है मेडिटेशन क्या कर सकता है मेडिटेशन हमको क्या हेल्प करता है तो ये बहुत अच्छा लगा तो मेडिटेशन कोई किसी उम्र के लिए ये फिक्स नहीं किया गया है कि ये सब के लिए मेडिटेशन अच्छा है ये करना चाहिए तो जो नेगेटिविटी है जो नेगेटिव थॉट है नेगेटिव थॉट को इसको इरेज करने के लिए इसको फेंकने के लिए इसको कम करने के लिए मेडिटेशन हमको हेल्प करेगा ये इस टाइम के जो यंग पीपल हैं ये ऐसा नहीं सोचते थे इसको आपने जो अच्छी तरह से बताया ये बहुत अच्छा है तो हाँ जी तो लगता है ब्रॉटअप भी ऐसा ही हुआ है जो स्कूल कॉलेज जाते हैं वो एक इन्वायरमेंट में होते हैं जो स्कूल कॉलेज से वापस आ जाते हैं घर में अलग सा इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है कॉलेज स्कूल का इन्वायरमेंट और घर का अगर एक होता तो इसको इफेक्ट और कुछ और होता है ना तो घर में कोई गार्जियन है उसको अपना चिल्ड्रेन को अपना उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं वो बोलते हैं कि चलो ले जाओ 100-200-500 ले जाओ तुम अपना एंजॉय कर लो जाओ ऐसा दे देते हैं वो अपने टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो जो अपना किड्स हैं वो पैसा ले जाते हैं वो क्या करते हैं इसमें उसका उनका पेरेंट का कोई वो मतलब नहीं है तो इस तरह से बिगड़ जा रहे हैं अभी इस टाइम की
स्टूडेंट मतलब ये तो अब इसमें हमको बाद में जब आपसे टाइम मिलेगा तो एक सेशन दो सेशन और कुछ कोई टाइम मिला करके हम कर सकते हैं कि अभी ये नहीं जान रहे हैं कि नहीं जानना चाहते हैं कि व्हाट दे शुड डू अबाउट देयर रेस्ट अबाउट देयर वर्क अबाउट देयर फूड एंड एंटरटेनमेंट मतलब ये कि खाना क्या है जाना कहाँ है और रेस्ट क्या है और काम क्या है इसके बीच में क्या रिलेशन है हाँ. जो हम आहार विहार कहते हैं ना आहार हाँ. अनुसार जो विहार होता है आहार और विहार अगर नहीं मिला तो उसका इफेक्ट तो बैड इम्पैक्ट हो जाता है उसको बैड इफेक्ट हो जाता है हम वो जो सोने का टाइम जो खाने का टाइम जो अभी आप बता रहे थे ना उसका भी ज्यादा रिलेशन है ना जैसे वैसे ही अपना हमारे बॉडी में वही चीज आ जाएगा उसी का प्रभाव पड़ेगा तो पीने में भी अभी इस टाइम जंक फूड ज्यादा ले लेते हैं तो जंक फूड खाने से घर में आकर के वो नहीं खाएंगे वो भूखे रहेंगे और बॉडी में जो इफेक्ट होता है वो दूसरी प्रकार के इफेक्ट होता है हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा तो तरह के जो आहार विहार का जो वो है वो भी हम एक क्लास और ले लेंगे तो वो और अच्छा रहेगा तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं किसी टाइम में बाद में हम आपको कॉन्टेक्ट करके आपको टाइम मिलाएंगे तो आज आपने जो दो घंटे से ज्यादा हमें आपको हमें वैल्यूएबल टाइम दे दिया प्रेशियस टाइम आपने दे दिया और इतना सारा स्टूडेंट के लिए जो आपने शिक्षा दी और ये जो पॉजिटिव थॉट आपने शेयरिंग की इसके लिए हम डीकैन के तरफ से आपको मुरी मुरी धन्यवाद बहुत सारे धन्यवाद आपको दे देते हैं तो इट वाज माय प्लेजर बहुत अच्छा लगा शेयर करना या तो अभी हम बहुत दूर हैं इसलिए हम यहाँ से आपको एक वर्चुअल टोकन ऑफ लव के लिए आपको ऑफर करेंगे विश्वास है हमें आशा है कि आप इसको स्वीकार करेंगे डेफिनेटली आई सी इट थैंक यू सो मच दैट इज सो थैंक यू नमस्ते टेक केयर एवरीवन स्टे सेफ और आप कांटेक्ट करिएगा अगर आपको फ्यूचर में ऐसा हम कोई भी सेशन रखते हैं इट विल बी ग्रेट इट विल बी माय प्लेजर टू शेयर एवरीथिंग ऑल द नॉलेज विद एवरीवन थैंक यू सो मच Thank you. Namaste. Take care, everyone. Bye. Thank you so much, ma'am. Once again, on behalf of Deakin family. हाम्रो यस कार्यक्रमले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद ठक्क्याउँदै आजको हाम्रो यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छौँ भोलि फेरि 9 बजे नयाँ शीर्षकमा नयाँ अतिथिको साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद जय नेपाल